इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महेश सचदेवा, जो कि प्रेसिडेंट है ACCI के, इंडिया के। सर, ये बताइए कि इस वक्त जो ये जो एशियन अफ्रीकन जो फोरम बनाया गया है, क्या कुछ देखते हैं, कैसे संबंध इससे दोनों देशों के मुखर होंगे? देखिए, आर्थिक तौर पर दुनिया का केंद्र बिंदु इस समय एशिया है, और भविष्य में अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि वही एक अल्प विकसित महाद्वीप है, जहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो दोनों महाद्वीपों में इस समय दुनिया की तकरीबन 3/4 आबादी रहती है, और इस आबादी को आपस में मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो सकता। इसमें प्राइवेट सेक्टर और संस्थाओं का भी अपना योगदान होना ज़रूरी है। तो उस दिशा में काम करने के लिए अफ्रीका एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। ये बहुत बड़ा कार्य है, और इस कार्य को करने के लिए हम लोग एकजुट हैं, और अपने जैसे समाक्षी लोगों के लिए साथ मिल करके और चैम्बर्स के साथ मिल करके, नेशनल चैम्बर्स, रीजनल चैम्बर्स के साथ मिल करके हम काम करना चाहते हैं, ताकि एशिया और अफ्रीका के बीच में जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उनको और गति दी जा सके और मतलब दिया जा सके, और ऐसा ना किया जाए जो कि पहले हुआ है, जिसमें कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में या यूरोप और एशिया के बीच में संबंध जो हैं वो उपनिवेशवाद या शोषण के बने थे। तो वैसे उसकी बजाय एक पार्टनरशिप बनाई जाए, जिसकी नींव रखना हम चाहते हैं। सर, एक चीज़ जो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है अफ्रीका, डेफिनेटली ब्लैक कंटिनेंट उसे कहा जाता है। सर, क्या कुछ आपको वजहें लगती हैं कि इतना कुछ वहाँ पे मिनरल्स होने के बावजूद, यूरेनियम होने के बावजूद भी उस तरीके से वो विकास नहीं कर पाया, उसी हिसाब से इंडिया का भी नहीं हो पाया, जैसे और भी जो बहुत कंट्री थी उस टाइम पे जो लिबरेट हुई, आज़ाद हुई, जैसे कि सिंगापुर है, उसने बहुत अच्छा विकास किया, बट जो अफ्रीकन कंट्रीज थी वो जो है नहीं विकास कर पाई। ये एक बड़ा विषय है, इसमें बड़ा महत्व आता है। एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है, हेल्थ केयर का क्या हाल है, आपस में जो विषमताएं हैं, अमीर गरीब का फ़र्क, अच्छे स्कूलों और बुरे स्कूलों का फ़र्क, या हेल्थ केयर की ऊंच नीच, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। फिर किस तरह की नीतियां बनाई गई, कितनी पारदर्शिता बरती गई, किस तरह से एंटी करप्शन के ऊपर काम हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ जनतांत्रिक सरकारें बनी जिनका कि लक्ष्य जनता की सेवा करना था, कहाँ पर सैनिक शासन हुए या तानाशाह लोग सत्ता में आए, उसका ज़्यादा महत्व है। इसका महत्व इतना नहीं है, जैसा आपने कहा सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पर वो डेवलप हुआ है। कई और देश हैं जिनके पास जो भी रिसोर्स थे उनको ठीक तरह से दोहा गया है, कईयों के पास ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कि अच्छी तरह से दोहे जा सकते हैं, उनका दोहन करना ज़रूरी है, और उसकी नींव पर और चीज़ें आ सकती हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास की रिसोर्स नहीं है, सब देशों के पास कोई ना कोई रिसोर्स है, उसका आइडेंटिफाई करना और उसको बढ़ाना, उसको दोहन करके उसका उपयोग करना अपने समाज के लिए, प्रगति के लिए, ये ज़रूरी है। सर, अंत में आखिरी सवाल, सर आपने पॉलिटिकल रेफरेंस जो है उसको भी टच किया कि सरकारी और वहाँ की कैसी रही। सर, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो है वहाँ पे आतंकवाद, यू नो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो आतंकवाद है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, और इंडिया जो कि खुद बहुत आतंकवाद से पीड़ित रहा है, कैसे मदद कर सकता है अफ्रीकन कंट्रीज़ की आतंकवाद से, जैसे कि हमने देखा वहाँ पे बोको हरम, जो किस तरीके के जो इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म ग्रुप्स हैं, उनको किस तरीके से इंडिया मदद कर सकता है आतंकवाद से मुक्ति में? देखिए, आतंकवाद दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, और ये तरह तरह के कारणों से होता है। कुछ कारण धार्मिक हैं, कुछ कारण आर्थिक असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, कुछ कारण सामाजिक हैं, और कुछ कारण राजनीतिक भी हैं। हर कारण का अपना निदान होता है,
तो उस निदान के लिए आपको सूक्ष्म इसको तीव्रता में जाना होगा और उसको उसी लेवल पर जा करके निरस्त करना होगा। तो इसमें भारत मदद कर रहा है हर स्तर पर, सैनिक स्तर पर भी, और सैनिक क्षमताएं, सुरक्षा की क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी, और दूसरी ओर समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और शैक्षिक विकास वगैरह के लिए भी। तो हम हर तरह से सजग हैं और इस तरफ प्रेरित करते हैं अपने पार्टनर्स को। आपको मालूम है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीका के देशों के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं की हैं, तो उनका असर पड़ेगा और भारत की जो छवि है वो एक बहु समुदाय के, बहु धार्मिक धर्म के, बहु भाषाओं के समाज की है, जो आपस में सहिष्णुता से एक साथ रहते हैं, टॉलरेंस है और एक दूसरे का के प्रति सद्भाव है। तो इसको वहाँ पर भी लागू करना, इसका मिसाल बना के रखना, ये भी आपस में एक अच्छा उदाहरण बन जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।